हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एंडस्केप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फॉर रेविट फॉर स्केचअप, तो उस टाइम पे जब आप एसेट लाइब्रेरी यूज करते हो, एसेट लाइब्रेरी हमेशा आप देखोगे यहाँ पे लोडिंग इस तरह से शो करता है और ये नेट का एक्सेस हमेशा यूज करता है एक तरह से वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे लोडिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है हर एक एलिमेंट को लोड करने में। हम ये देखेंगे कि ये जो कंप्लीट फाइल्स हैं इनको आप ऑफलाइन कैसे सेव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको एंडस्केप टैब पे आना है। एंडस्केप टैब पे आने के बाद आप एसेट लाइब्रेरी पे आओगे। एसेट लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन एसेट लाइब्रेरी का आपको ऑप्शन दिखेगा। अभी इस पे आप देख सकते हो टिक नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑफलाइन एसेट लाइब्रेरी का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। सिंपली यहाँ पे आपको इस फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो वहां पे आपको ये फोल्डर डिफाइन करना है। आप चाहो तो सी ड्राइव में कर सकते हो, आप कहीं भी आपके ऊपर है। करेंटली जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में आके, डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे एंडस्केप नेम से फोल्डर आपको मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे एक आप न्यू फोल्डर बना सकते हो बाय द नेम ऑफ एसेट लाइब्रेरी और सिंपली इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये लोकेशन यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। एंड जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोडिंग एसेट करके इस तरह से बन के आ जाएगा। अराउंड देख सकते हैं यहाँ पे 3452 एसेट्स हैं। ये वन टाइम आपका नेट लेगा और सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। एंड डाउनलोड होने के बाद आप सिंपली जब आप दोबारा से नेट डिस्कनेक्ट करके अपने एसेट लाइब्रेरी को ओपन करोगे तो यहाँ पे सारी की सारी लाइब्रेरीज आपको एज इट इज मिल जाएंगी। ये था इस कंप्लीट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में आप मेरे से और कौन कौन से ट्यूटोरियल चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।